दोस्तों, मैं हूँ शहजाद अली। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 का पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया। पाकिस्तान ने इंडिया चैम्पियंस का विजय रथ रोक दिया। 8वें मुकाबले में दोनों टीमों का आमना सामना हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 243 रन का स्कोर बनाया। इसके जवाब में इंडिया 20 ओवर में 9 विकेट पर 175 रन ही बना सकी। 68 रन से मुकाबला हार गई भारत। भारत की ये पहली हार है चैंपियनशिप इस मैच में। चैंपियनशिप के इस मैच में युवराज सिंह की जगह भारत की कप्तानी हरभजन सिंह ने की। वह पाकिस्तान के खिलाफ टॉस और बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। इंडिया चैंपियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान चैंपियंस की टीम इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना गए। कमरान अकमल ने 40 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्के की मदद से 77 रन को जोड़ीदार सरजील खान ने महज 30 गेंद में 72 रन का योगदान दिया। आउट होने से पहले सरजील खान ने इरफान पठान की एक ओवर में 25 रन कूटे। इसके बाद पठान ओवर करने ही नहीं आए। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान चैंपियंस की तरफ से मसूद ने 26 गेंद में 51 और शोएब मलिक ने 18 गेंद में नाबाद 25 रन की पारी खेली। इंडिया चैंपियंस की तरफ से आरपी सिंह, अनुरीत सिंह, धवल कुलकर्णी और नेगी ने एक एक विकेट हासिल किया। पाकिस्तान से मिले 244 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की तरफ से सुरेश रैना और अम्बती रायडू ने कुछ ही देर गेंदबाजों का सामना कर पाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाज करने आए रैना ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। इनके अलावा अम्बती रायडू ने 23 गेंदों पर 39 रन का योगदान किया। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा पाकिस्तान के खिलाफ रॉबिन एतप्पा 12 गेंद में 22, युवराज सिंह 11 गेंद में 14, इरफान पठान 9 गेंद में 15 और यूसुफ पठान बिना खाता खोले आउट हो। पाकिस्तान चैंपियंस की तरफ से वहाब रियाज और शोएब मलिक ने 3-3 विकेट चटकाए। सोहेल तनवीर और सोहेल खान को एक एक मिला। पाकिस्तान के इस जीत के साथ ही 6 अंक हो गए हैं और वह पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर काबिज हो गई है। इंडिया 4 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, आगे अगला मैच भारत का जीत करके वापसी कर पाएगी, ये हम लोग को देखना है।